तो हेलो गाइस, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत खास, क्योंकि 2018 हमारा चला गया और 2019 आ गया है। तो नए नए यूट्यूबरों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर होंगे और मैं भी एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ। जब आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते होंगे, लाइक नहीं आते होंगे और अच्छा वॉचिंग टाइम नहीं आता होगा, तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी डीमोटिवेट होते होंगे। जैसे कि मैं हुआ अपनी यूट्यूब करियर के अंदर, मैं भी काफ़ी बार डीमोटिवेट हुआ हूँ कि मैंने बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छा वीडियो शूट करके वीडियोस अपनी डाली हैं, उस पर ना ही मुझे अच्छा व्यूज़ मिला ना ही वॉचिंग टाइम मिला। तो मैंने धीरे धीरे ये चीज़ें सीखी कि यार क्या चीज़ ऐसी करूँ क्या चीज़ ऐसी ना करूँ। तो मैंने अपने जो एक्सप्लेन किया अपनी करियर के अंदर, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वन बाय वन आपको क्या चीज़ करने से आपको बहुत ही अच्छा व्यूज़ मिलेंगे, बहुत ही अच्छा वॉचिंग टाइम मिलेगा। आते हैं तो सबसे मेन जो होता है हमारी वीडियो क्वालिटी होती है। वीडियो क्वालिटी जितना हमारा अच्छा होगा तो हमें लोगों को प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वीडियो क्वालिटी आपकी 720 या 1080p पे होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमारी वीडियो क्वालिटी देखेंगे कि हाँ वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और इनका बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो आपकी वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, वॉचिंग टाइम भी अच्छा है। यूट्यूब पर आने के लिए सोचा है कि हाँ मुझे भी यूट्यूब पर कुछ करना है 2019 में, तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे मेन आपको जेन्युइन कंटेंट लाना है, किसी का कॉपीराइट कंटेंट नहीं चोरी करना। अगर आप जेन्युइन क्रिएटर बनोगे तो लंबे टाइम तक आप चलोगे। तो इसलिए अगर आपने यूट्यूब पर सोचा है आने के लिए, तो सबसे मेन जो आपका है आपका चैनल का नेम सबसे मेन, क्योंकि चैनल एक नेम ऐसा है जो हमारे चैनल को शो करता है, जो हमारी चैनल की जो कैटेगरी है उसे शो करता है, ठीक है। तो सबसे मेन आपको चैनल कैटेगरी का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपने चैनल पे ब्लॉगिंग की वीडियो डालिए, एडिटिंग की वीडियो डालिए, डांस की वीडियो डालिए या कुकिंग की वीडियो डालिए, अदरवाइज़ आप किसी चीज़ की भी वीडियो डालिए। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट उसमें क्या करना है, आपको 3-4 कैटेगरी की वीडियोज़ डालनी है, कुकिंग की डालिए, डांस की डालिए, आपका क्या कहते हैं ब्लॉगिंग की वीडियो डालिए, ये एडिटिंग से रिलेटेड या कोई आप किसी चीज़ के बारे में प्रमोशन कर रहे हो उस चीज़ की वीडियो डालिए, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 10 वीडियो डालनी है चैनल स्टार्ट करने के बाद। उसके 1 मंथ बाद आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी वीडियो पे सबसे ज़्यादा वॉचिंग टाइम और सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, ठीक है। आपकी कोई सी वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको व्यूज़ मिले हैं तो मान लीजिए आपकी जो पब्लिक है, आपके जो व्यूवर्स है, आपकी वीडियो वो देखना पसंद करिए, तो आप अपने चैनल पे उसी कैटेगरी की वीडियो डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपको ये करने के बाद उसके बाद बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है। थंबनेल का मतलब है जो आपकी वीडियो के अंदर जो आपने बोला या आपने जो वीडियो के अंदर बनाया या बताया है उसके अकॉर्डिंग ही थंबनेल होना चाहिए आपका, ठीक है। ये नहीं कि आपने वीडियो के अंदर बताया आपने यूट्यूब के बारे में या कुकिंग के बारे में और आपने थंबनेल कुछ और लगा लिया, वो नहीं। उस पर सिर्फ आपकी क्लिकिंग आ सकती है बट आपके व्यूवर्स आप उसकी वीडियो पर नहीं टिकने के, क्योंकि व्यूवर्स कहेंगे यार इस वीडियो के अंदर तो कुछ और थंबनेल के अंदर कुछ और है। तो इसके लिए सबसे मेन आपको इम्पॉर्टेंट आपको बहुत ही बेस्ट थंबनेल बनाना। थंबनेल बनाने के लिए आप पिक्सल लैब ऐप का यूज़ करिए या पिकआर्ट्स का यूज़ करिए। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही जेन्युइन आप थंबनेल बनाइए कि लोग बाग आपकी वीडियो देखने के लिए क्लिक करने के लिए सोचे कि हाँ इस वीडियो को। वीडियो अपलोड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे आ जाती है, नेगेटिव कमेंट आते हैं, नेगेटिव डिसलाइक आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना कि मेरी वीडियो पे डिसलाइक आ गए हैं या मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट आ गए हैं, क्योंकि वही आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपकी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों से सीखिए, क्योंकि उसमें भी व्यूवर्स को कोई चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगी होगी, आपका बोलने का तरीका या आपकी वीडियो में जो आपने प्रेजेंट किया वो शायद वो उसे अच्छा ना लगे। तो उस चीज़ को बिल्कुल भी आपको नेगेटिव में नहीं लेना, सिर्फ अपना वर्क करना है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपने चैनल पर बट धीरे धीरे इन चीज़ों को मैंने इम्प्रूवमेंट किया सीख के। तो यूट्यूब पे मेन चीज़ यही है, अगर बेस्ट कंटेंट दोगे, अच्छी चीज़ें बताओगे तो हमेशा टिकोगे। जेन्युइन कंटेंट लाइए बिल्कुल। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।